नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे। आज इस हाथ को पढ़ने वाले हैं, बेसिक से क्वेश्चन हैं इनके। घर कब बनेगा, धन, प्राइवेट जॉब करती हैं क्या, हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, और पति की सेहत कैसी रहेगी। मतलब सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस हाथ को पढ़ना काफ़ी क्लियर पिक है और सभी लाइनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। देखिए, पहले तो आप यहाँ पर देखें हाथ का जो हाथ की जो शेप है वो तो यहाँ पर स्क्वायरिश ही है। यहाँ पर स्क्वायरिश है तो मतलब आगे पढ़ने की ललक जो है मन में है, मतलब आगे बढ़ता है जातक। अगर यहाँ पर हाथ की शेप यहाँ पर स्क्वायरिश हो जाती है, मेहनती हाथ है, मतलब मेहनत से घबराता नहीं है। ठीक है, फिंगर्स की प्लेसमेंट मीडियम साइज़ हो रही है, ना बड़ी हो रही है ना छोटी हो रही है। तो कभी कभी निर्णय थोड़ा सा जल्दबाजी में लेने के कारण जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा आप जल्दबाजी ना किया करें अपने फैसलों में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की, तो आपको सभी फिंगर्स में हल्का हल्का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गैप जो देखने को मिल रहा है, हल्का हल्का, सभी फिंगर्स में नहीं है, हल्का हल्का, मतलब हम कह सकते हैं पैसा आएगा भी लेकिन थोड़ा सा खर्च भी अधिक हो सकता है। ठीक है, और अभी ऐसा जातक जो होता है अपने जीवन के जो जितने निर्णय होता है, अधिकतम निर्णय जो होता है खुद लेना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता, तो ऐसे भी गुण पाए गए हैं, तो ये देखने को मिल रहा है। अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी है इनकी गुरु से, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहने वाली हैं। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर सूर्य की फिंगर जो है लंबी हो जाती है तो जातक प्राइवेट क्षेत्र में तरक्की करता है, मतलब किसी प्राइवेट क्षेत्र में तरक्की करेगा, नहीं तो वो गवर्नमेंट क्षेत्र में तरक्की करेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र में तरक्की करने के लिए और बेसिक लाइनें होती हैं, सिर्फ हम फिंगर से नहीं बता सकते, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है जहाँ पर सूर्य की फिंगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इन दो क्षेत्रों में जातक ज़्यादा जाने का प्रयास करे। ठीक है, चलिए, यहाँ पर गुरु की फिंगर छोटी है तो थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी में कमी रहेगी और हमें कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर भी ठीक है, मीडियम साइज़ की है, तो पैसा भी जो है ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, पैसा भी मीडियम रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास इसका हो रहा है लेकिन उससे नीचे ही रह रही है। तो कभी कभी जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी आती है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति एक से दो तो अच्छी बात करेगा लोगों से, लेकिन जब यहाँ पर 20 से 25 लोगों से एक साथ बात विमर्श करना हो या फिर 3 से 4 लोगों में बात विमर्श करना हो तो थोड़ा सा घबराहट होती है मन में, थोड़ा सा शर्मीलापन आ जाता है, थोड़ी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ये देखने को आया है। चलिए, थंब के ऊपर आप नज़र देखें, थंब के ऊपर जो ठीक है, थंब जो है स्टिफ ज़्यादा नहीं है ना ही फ्लेक्सिबल है, तो बिल्कुल सही थंब है। और इसके ऊपर एक यव का सिंबल आपको दिखने को मिलेगा, काफ़ी शुभ साइन है ये, खासतौर पैसों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पैसों के लिए तो अच्छा होता है। इस जातक की सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी होती है और ऐसा मैंने काफ़ी वीडियो आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा आपको अगर जूम करें तो यहाँ पर भी जो है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, पैसा जो टिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेगा कि यव का सिंबल यहाँ से आपको खुला हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो पैसा टिकता नहीं है ये देखने को आया है, लेकिन यव का सिंबल है तो पैसा आएगा ज़रूर। थोड़ी सी रिलेशन में खटपट रहने के चांसेस लग रहे हैं, मतलब रिलेशन ठीक ठाक चलता है, अचानक से गुस्सा, अचानक से लड़ाई झगड़ा होने के कारण बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है
आपको लाइनें जो है इसके ऊपर आड़ी दिखेंगी अंगूठे के ऊपर, तो ये भी थोड़ा सा, या फिर हम घरेलू लड़ाई का कारण मान सकते हैं, या फिर किसी से भी जो है जल्दी तालमेल नहीं बैठ पाता है जीवन में, ये देखने को आया है। तो ये इंडिकेशंस हाथ में यहाँ पर थंब पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। पहले आप गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत जो है ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से शेप बनाऊँ, अगर आप देखिए यहाँ से अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें, तो देखिए कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, ऐसी लाइन ड्रॉ हो रही है। तो काफ़ी हाथों में हमने देखा कि ये तीन पर्वत होते हैं, हाई सेट होते हैं, सिर्फ बुध का पर्वत किसी किसी में लो सेट हो जाता है। लेकिन इनके हाथ में क्या हो रहा है कि दोनों माउंट तो ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुरु भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पर बुध भी। चलिए बुध की तो क्वालिटी हमने पहले ही बता दी, कॉन्फिडेंस में कमी आती है। जब यहाँ पर गुरु पर्वत नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जातक को गुरु के जो गुण हैं जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। क्या होता है कि जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पाता जो अच्छी दिशा दिखा पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन भी उस तरह नहीं चल पाता जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, या फिर हम ये ऐसा कह सकते हैं वैवाहिक जीवन में कभी ना कभी अनबन काफ़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए और भी साइन होते हैं, लेकिन इससे हम देखने को आता है कि जीवन में गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जो है रुझान जो है होगा, लेकिन वो तरक्की नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि जो गुरु पर्वत है एक अच्छी पदवी को दिलाते हैं, अच्छी पोस्ट को दिलाते हैं, और वो नहीं मिल पाता है जीवन में। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। जैसे इन्होंने कहा भी है कि काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत पड़ रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो रहा है, लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो गुरु पर्वत अगर डिक्लाइन हो जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी जीवन में नहीं आ पाती है, क्योंकि जो गुरु पर्वत हैं हमें जो भी भौतिक सुविधाएँ होती हैं, सुख सुविधाएँ होती हैं जीवन की, वो दिलाते हैं। लेकिन अगर गुरु पर्वत ही थोड़े डिक्लाइन है तो इसके नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर शुभ साइन भी हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा कि मसी रेखा से कुछ रेखाएं यहाँ पर निकलकर आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसा इंडिकेशन है कि अपने दिमाग से व्यक्ति काम करता है और अपने फैसलों के वश ही तरक्की इन्होंने की है, ठीक है। इसके ऊपर एक आपको बल्ले बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर, देखिए ऐसा कुछ बल्ले बनता हुआ दिखेगा जो बताता है कि जातक धार्मिक है, धर्म से जुड़ाव है, मतलब भगवान को मानने वाला व्यक्ति लगता है, भगवान में आस्था बनी रहती है। और अगर ऐसा बल्ले बनता है तो क्या होता है कि जातक जानवरों से प्रेम करता है, मतलब दया भावना ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी होती है, किसी का बुरा सोच भी व्यक्ति नहीं सकता, मतलब बुरा कर नहीं सकता, ऐसी भावना जीवन में कभी नहीं आती है, तो ये काफ़ी अच्छा शुभ साइन होता है। और पैसों के लिए भी ठीक ठाक यहाँ पर है, ठीक है। थोड़े से इसको उपाय आप कर सकते हैं गुरु के। और सबसे अच्छा माउंट यहाँ पर नज़र आएगा शनि का, शनि जब आपको दिखेंगे, शनि की फिंगर जो है आपको हाई सेट नज़र आएगी, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। और क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा जो है प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँच रही है, तो कुल मिला के अभी को वाला जो स्ट्रगल है वो बाद में नहीं रहेगा अभी, क्योंकि जीवन में स्टार्टिंग में तो सभी की स्ट्रगल रहता है, किसी किसी में अधिक किसी किसी में ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर देखने को आ रहा है कि वो स्ट्रगल जो है आपका 40 के बाद जो पीरियड आने वाला है, या फिर 45 तक हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा जीवन में, तो ये देखने को आ रहा है। और शनि पर्वत भी अच्छे हैं यहाँ पर, अच्छा माउंट है, कोई ऐसी कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हल्का सा एक कर्डल ऑफ बिजनेस बनने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर, देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या हो रहा है कर्डल ऑफ बिजनेस बन रहा है, जो शुक्र बल्ले हम जिसको कहते हैं, यहाँ पर अगर शुक्र बल्ले बनता है तो व्यक्ति जो है ये इंडिकेशंस मिलते हैं व्यक्ति ने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं, इनके परिवार ने या फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख देखे हैं, या फिर वो बीमारी से रिलेटेड हो या फिर धन से रिलेटेड हो, मतलब सभी प्रकार के दुख इन्होंने पहले ही देख रखे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जीवन को जीने के लिए सीरियसनेस जो है आ जाती है जीवन में। और ये बल्ले पैसे के लिए, देखिए हाथ में बल्ले जो होते हैं पैसों के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, साथ में संघर्ष भी देते हैं, क्योंकि ये बल्ले जो होते हैं जो हमारे जो
एनर्जी जो हमारे अंगूठे हम उंगलियों से फिंगर से आ रही होती है हाथ में ट्रांसफ़र होनी होती है, इसको रोकते हैं। तो ये रोकने से क्या होता है कि जब तक बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है आगे बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये संघर्ष दिलाते हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन इसी का है। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत ठीक है, ना ज़्यादा दबे हुए ना फ्लैट है, ठीक ठाक है, यहाँ पर फ्लैट माउंट है आपको नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत के ऊपर आपको सूर्य रेखा भी आपको नज़र आएगी और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिख रही है। इसका जो रुझान है, इसका जो आगमन है, वो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि 42वें साल में, या फिर हम कह सकते हैं 45वें साल में हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा इनका बीतेगा, ठीक है। और इस पर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है, इसके ऊपर हल्का सा क्रॉस बनता हुआ आपको दिखे, लेकिन पूरा क्रॉस नहीं है, हल्का सा जो है कुछ लाइनें यहाँ पर सूर्य रेखा को काट रही हैं, तो थोड़ा सा कभी न कभी मान सम्मान में हानि के नुकसान जो है पहुँचने के चांस रह सकते हैं, कोई आपको नीचा गिराने का प्रयास यहाँ पर कर सकता है, ऐसी कोई जो है इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इनके बुध पर्वत की, तो बुध के पर्वत के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। यहाँ पर खड़ी लाइनें आपको एक से ज़्यादा दो नज़र आ रही हैं, जो बताता है कि जातक के अंदर जो है वो क्वालिटी है, जिसके क्वालिटी के आधार पर, जैसे हम जाते हैं टेक्नोलॉजी वाला फील्ड हो गया, नेटवर्किंग वाला फील्ड हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेट मार्क जो हमारी इंटरनेट की दुनिया है उसमें अगर प्रयास करें तो उसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस इनको मिल सकता है, क्योंकि ऐसी लाइनें हाथ पर बुध पर्वत पर बन रही हैं। और देखिए, इन्होंने पति की हेल्थ को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन किया था। देखिए उसके लिए वैसे तो पति का हाथ देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी इंडिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा पति का हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर विवाह रेखा को देखें तो हल्का सा आपको झुकी हुई, हल्की सी, पूरी नहीं, हल्की सी झुकी हुई आपको नीचे की तरफ हृदय रेखा की तरफ नज़र आएगी। तो अगर पत्नी के हाथ में अगर ऐसी रेखा मिलती है, अगर पति के हाथ में मिलती है, तो पत्नी हल्के से बीमार रहने के चांसेस रहते हैं, या फिर पत्नी के हाथ में ऐसी चीज़ें मिलती है तो पति के थोड़ा सा बीमार रहने के चांसेस यहाँ पर हाथ में बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए पूरे रिजल्ट पर पहुँचने के लिए उनके पति का हाथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत पर नज़र डालें। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा डेवलप है, काफ़ी अच्छा डेवलप है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी अच्छी लाइनें आपको बनती हुई दिखेंगी। देखिए शुक्र पर्वत के ऊपर तो स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है और फ्लावट भी है, कोई दबा हुआ माउंट नहीं है। इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जो जातक बताता है कि जीवन में मौके जो है जीवन में काफ़ी अच्छे आएंगे वो चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। मतलब क्या होता है कि ऐशो आराम लग्जरियस चीज़ें जो है जीवन में एंड पीरियड तक हासिल हो ही जाएंगी, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा हासिल। और जैसे इन्होंने कहा था कि घर कैसा कब बनेगा, वो भी चीज़ें हासिल हो जाएंगी, क्योंकि इसकी ये इंडिकेशन बताते हैं कि वो सभी चीज़ें आपके जो आप चाह रही हैं वो सब पूरा आपका हो जाएगा। शुक्र पर्वत उसी को हम भौतिक सुख हो गया, जो हमारा जो निजी सुख हो गया, वो सभी कुछ आपको हासिल हो जाएगा, ठीक है। चंद्र पर्वत पर कोई ऐसा साइन नहीं है, कोई स्पेसिफिक साइन है, कोई नेगेटिव साइन आपको नज़र नहीं आएगा, हल्की सी ट्रैवलिंग की लाइनें हैं जो बताते हैं ट्रैवलिंग जीवन में भी होती रहेंगी, कोई ऐसा नेगेटिव साइन हाथ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर अब रेखाओं के बारे में बात करते हैं। पहले तो आप इनकी जीवन रेखाओं को देखें, पहले तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि जातक अपने अधिकतम फैसले खुद जातक लेना पसंद करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है गैप देखने को मिलेगा। गैप वैसे फील हो चुका है, विवाह के बाद ये फील हो गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी जीवन रेखा ये रही और ये इनकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर पहले गैप था लेकिन कुछ लाइनों ने इसको ऐड कर दिया है। तो क्योंकि ये लाइनें जो हैं, देखिए लाइनें हमेशा चेंज होती रहती हैं और लाइनें हमेशा बनती बिगड़ती रहती हैं, तो ये जो अटैचमेंट हुई है पहले नहीं हुई होगी और अधिकतम फैसले खुद लेती होंगी, लेकिन अब यहाँ पर अपना फैसला अपने परिवार से पूछ कर सबसे यहाँ पर निर्णय करके लिया जाता है और ये अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कड़वा वीनस इनके हाथ में बन रहा था, तो स्टार्टिंग में तो दिक्कतें नज़र आ रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोएस लाइनें हैं, कुछ आड़ी लाइनें आपको काटती हुई नज़र। पहले आपको मैं राहु रेखाएं दिखाता, तो राहु रेखाएं जो हैं कुछ ऐसी बन रही हैं। देखिए एक तो यहाँ पर ऐसी, कुछ ऐसी,
ठीक है, एक लाइन यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐड हो रही है। उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखाएं नहीं है। तो देखिए ये जो इनकी एज बन रही है, आपको मैं यहाँ बता दूँ, अब यहाँ पर आपका जो है तकलीफ जो है दुख वाला जो पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, जैसे आप कह रही थी कि काम नहीं बन पा रहे हैं, या फिर कोई भी कंडीशन हाथ पर सिचुएशन जो मिल रही है, अब यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए ये जो राहु रेखाएं बन रही हैं, पहले तो आप यहाँ पर देखें 15 से 20 की एज में, मतलब स्टार्टिंग एज में ये जो बहुत बड़ी राहु रेखाएं थी, ये कम से कम 24 से 25 की एज में बन रही है, और ये भी यहाँ पर आसपास, और ये जो राहु रेखा हल्की सी जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर करेगी, इसको काट के नहीं जा रही है, ये आपको अप्रॉक्स यहाँ पर 28वें और 29वें वर्ष में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। उसके बाद कोई ऐसी राहु रेखा, ऐसी कोई चीज़ आपके हाथ में नज़र नहीं आ रही जो आपको प्रभावित करे, ठीक है। जो ये एक और यहाँ पर देखिए साइन दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर एक साइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ जो है ट्रायंगल का निशान बनता हुआ दिख रहा है। इसमें इन्होंने तरक्की की होगी, इसमें कोई बड़ा काम जो है इनके जीवन में हुआ होगा, और ये जो एज बन रही है 25 के आसपास जो है, 25 से 27 के आसपास जो है एज ये बन रही है, उसमें बड़ा कार्य इनके जीवन में हुआ होगा ये नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी प्रोग्रेस लाइन नज़र नहीं आ रही है, या फिर हम कैसे बड़ा चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम बात करें उनको लाइफ की, तो लाइफ ठीक ठाक रहने वाली है, आयु लंबी है। यहाँ पर एक मंगल रेखा आपको नज़र आ रही है, ये भी जो भौतिक सुख होते हैं, जो जीवन में हमें सुख चाहिए वो दिलाती है। काफ़ी जो है लोग कहते हैं कि ये हेल्थ की रेखा होती है, हेल्थ की रेखा तो होती है, ये सही है, लेकिन ये हेल्थ लाइन के साथ चलती है, तो इसका मतलब जो जीवन में जो घटित होगा वो तरक्की वाला होगा, आगे चलकर जो जीवन में सभी सुख सुविधाएं जो है हासिल हो जाएंगी जातक के, ऐसा साइन भी इसको इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम आते हैं भाग्य रेखा पर। तो भाग्य रेखा जो है, पहले तो आप देखें यहाँ पर इसका जो आगमन हुआ है नीचे से हुआ है, तो पहले तो परिवार के साथ रहती थी, परिवार के साथ डिपेंड थी, लेकिन उसके बाद जो है इसका आगमन जो है चंद्र पर्वत से होना हो रहा है। यहाँ पर लाइन मिट रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो ये जो एज बन रही है, कम से कम इसका जो हो रहा है मतलब 23 से हम मान के चले 23 से लेकर जो है 28वें वर्ष तक जो है चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, या फिर अभी तक जो सही नहीं है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ से आपको यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ से कुछ रेखा जो है स्प्लिट हो रही है, या फिर हम कह लें कि यहाँ से जो लाइन डबल हो रही है, जो कि देखिए यहाँ से ऐसी कुछ इंडिकेशन आपको बनती है, ऐसी कुछ शेप यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ये स्प्लिट होना, या फिर हम कह सकते हैं कि एक अलग डायरेक्शन में चलना, ये जो एज बन रही है कम से कम हम मान के चलें कि 27वें वर्ष या 29वें वर्ष की एज बन रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो है आपके जो सभी तकलीफ़ें हैं, जो आपके सभी दुख हैं, वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रही है कि आपका जो भाग्य उदय है इसी वर्ष या फिर अगले के लास्ट वर्ष में, मतलब जो आपका मान लीजिए 29 साल की आप हैं, तो 30वें वर्ष के लास्ट में साल में आपका जो है लास्ट में महीने में, या फिर हम 30वें वर्ष में हम कह सकते हैं आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी अच्छी इंडिकेशन, काफ़ी अच्छी लाइनें जो हैं आपके हाथ में बनती हुई दिख रही हैं, ठीक है। तो ये आप अब चिंता वाली बात छोड़ दें कि अब जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं कि आने वाले पीरियड में, तो ये इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। भाग्य रेखा से भी वो इंडिकेशन हाथ में आपको नज़र आएंगे। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन में आपको यहाँ पर दिखेगा माइंड लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तो ये तो नज़र आ रहा है कि दिमाग से काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाती हैं, क्योंकि काफ़ी रेखाएं जो हैं आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ऊपर की तरफ जा रही हैं। देखिए ऐसे ही ये पॉजिटिव साइन होते हैं, देखिए ये रेखा हो गई, और कुछ रेखाएं और भी हैं जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तरक्की करने का जो है मन होता है, मतलब आगे बढ़ने का मन होता है, प्लानिंग करती हैं और आगे बढ़ती भी हैं, तो यही चीज़ इनको तरक्की दिलाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी माइंड लाइन इसको मानते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इस एज में काफ़ी स्ट्रगल है, तो ये स्ट्रगल आपको नज़र आ रहा है। देखिए कुछ आइलैंड्स आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखेगी इस एज में, देखिए जो यहाँ से इसका पीरियड जो है मान के चलेंगे 23वें वर्ष से लेकर यहाँ पर 30वें वर्ष तक, ये जो है स्ट्रगल का कारण ये बन रहा है।
जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्य उदय होने वाला 30वें वर्ष में, तो ऐसे ही इंडिकेशन जो है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं या छोटे छोटे जो यव के निशान बनते हैं, ये मेंटली प्रेशर देते हैं, किसी काम को बनने नहीं देते हैं, हमें हमेशा दिमाग पे कोई ना कोई लोड हमेशा लगा रहता है, तो ये इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं। लेकिन लेकिन भाग्य यहाँ पर बदल रहा है इनका, देखिए यहाँ से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके बाद कोई ऐसा इंडिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है, हल्की सी प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी इस एज में आपको देखें, इस एज में आपको जो लाइन है थोड़ा सा फैलती हुई, थोड़ा सा बिगड़ती हुई नज़र आएगी इस एज में, जो एज बन रही, कम से कम आप मान के चलें कि ये जो हम मान के चलें 55 साल से लेकर यहाँ पर जो है कम से कम 65 साल, तो मतलब 10 साल जो है तकलीफ इस एज में आने के चांस हैं। इस एज में कुछ आपको प्रेशर रहेगा, कुछ परेशानी आपको हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है दिमागी, या फिर हम सिर से संबंधित परेशानी हम कह सकते हैं, इस एज में आने के चांस यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके 29 साल एज मान रहे हैं, मतलब आगे चलकर जो है ठीक ठाक यहाँ पर जीवन हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर इस लाइन को, यहाँ पर हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा पूरी यहाँ पर जो है ऐसी कुछ बनती हुई दिख रही है, ऐसी कुछ हृदय रेखा बन रही है, इसका दोनों का मुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है, तो ये इंडिकेशन हाथ में नजर आए जातक काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है, किसी का बुरा नहीं करेगा जातक, और अपने रिलेशंस को, अपने रिश्ते नातों को जो है काफ़ी ईमानदारी से निभाएगा, और उसमें कभी धोखा नहीं उसको जातक को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ें हाथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छा साइन ये है, विष्णु का सिंबल बन रहा है, तो जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी ये, किस अच्छे पद पर हासिल, मतलब कोई प्राइवेट क्षेत्र में ही हो सकता है, लेकिन अच्छी पदवी को हासिल करेंगी, अच्छी तरक्की यहाँ पर जीवन में रहेगी, ये यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। पेट से जुड़ी परेशानियाँ, स्किन से रिलेटेड परेशानियाँ इनको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर चीज़ें आपको इंडिकेशन नज़र आ रहा है, थोड़ा लाइन जो है ये डबल हो रही है, तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करें, खास तौर पर जो पेट से जुड़ी परेशानियाँ स्किन से रिलेटेड दिखते हैं होने के चांस यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहे हैं, कोई और ऐसा नेगेटिव साइन हाथ में नहीं है। और आपका जो भाग्य उदय हो चांस यहाँ पर लग रहे हैं 31वें वर्ष में होने के चांस हैं, उसके बाद जो है लाइफ काफ़ी अच्छी आपकी रहेगी। और आपने गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास किया था, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में आपने सोचा था कि क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की लाइन आपके हाथ में नहीं है, कोई ऐसी इंडिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रही कि हाथ में गवर्नमेंट जॉब आपको मिले, तो प्राइवेट क्षेत्र ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें ही आप आगे बढ़ें। और जो घर बार के चीज़ें हैं आपके 31वें साल के बाद जो है अपना घर का घर जो है होने के चांस, मतलब जो भी भौतिक सुविधाएं होती हैं धीरे धीरे पूरी होंगी, ठीक है, ये आपके हाथ में नज़र आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है। और 30वें वर्ष के बाद जो है जीवन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे सभी चीज़ें आपकी पूरी होंगी, ठीक है। तो गुड लक, और इस वीडियो को आप शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।